हेलो फ्रेंड, टुडे आई एम डिस्कस दैट मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, अगर मैथ डॉट पाव फंक्शन की बात की जाए तो मैथ डॉट पाव फंक्शन जो होता है बेसिकली आपको यहाँ पे डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। कैसे करता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे इसको डिफाइन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करना है, तो आपको डिफाइन करना है डबल डबल। अब यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम भी स्टोर करना है, मान लीजिए रिजल्ट। यहाँ पे हमने डबल रिजल्ट टाइप का एक वेरिएबल स्टोर किया इज इक्वल टू। अब आपको मैथ यहाँ पे जो मैथ डॉट यहाँ पे मैथ डॉट पाव फंक्शन आपको अप्लाई करना है। पाव के इनसाइड अगर देखा जाए तो ये डबल वैल्यू यहाँ पे इसके जो पैरामीटर्स हुए हैं वहाँ पे डबल वैल्यू स्टोर करना है। तो यहाँ पे सपोज हमने फर्स्ट वैल्यू डिफाइन किया 10 और सेकेंड वैल्यू हमने डिफाइन किया 5। तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 5 हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, 10 टू दी पावर यहाँ पे 5। अब इस पर्टिकुलर वेरिएबल मतलब इसके थ्रू हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट ln फंक्शन अप्लाई करना है। इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू यहाँ पे पावर की वैल्यू को प्रिंट कर लेना है। तो यहाँ पे पावर यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो प्लस यहाँ पे रिजल्ट। इस तरीके से इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और जैसे इस पर्टिकुलर फंक्शन को अप्लाई करते हैं देन अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर जो भी वैल्यू है वो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आपको आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे पावर अगर मान लीजिए 5 है, अगर सपोज 5 टू पावर 2 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे पावर 2 तो यहाँ पे 5 जो वैल्यू है इसकी पावर हमें 2 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या, जब यहाँ पे रिजल्ट आप देखेंगे तो 25 फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 टू पावर यहाँ पे देखिए 25.0 आपको यहाँ पे पावर की वैल्यू कैलकुलेट हो जा रही है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको यहाँ पे यूज करना है। अगर सपोज अगर आपको बोला जाता है 5 टू पावर मान लीजिए यहाँ पे हमने दे दिया 25, अगर हमने 25 की पावर यहाँ पे 1/2 अगर करना है मतलब 0.5 इसकी पावर हम अगर पॉइंट में हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो हमें रिजल्ट यहाँ पे 5 फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू डिफाइन किया 25 और यहाँ पे हमें जो वैल्यू लिया है वहाँ पे हमने 0.5 यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ पे 5 आपको यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे नंबर, यहाँ पे आपको सबसे पहला फर्स्ट पैरामीटर में आपको उस पर्टिकुलर नंबर को स्टोर करना है और सेकंड में जो भी आपको पावर यहाँ पे कैलकुलेट करनी है उस पर्टिकुलर पावर की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराना है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर फंक्शन को अप्लाई करके आप ये पर्टिकुलर फंक्शन को कैसे यूज करना था इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये जो मैथ डॉट पाव फंक्शन है ये आपको बेसिकली यहाँ पे जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ये स्टोर होता है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपको यूज करना है इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।